वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम HDS ट्यूटोरियल। एक्चुअली कल ही मुझे टेस्ट का वीडियो अपलोड कर देना चाहिए था, पर कल 5 सितंबर था तो थोड़ा बिजी हो गया मैं, इसलिए नहीं कर पाया। तो देखिए आज मैं टेस्ट अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक ना। और आज बस आपके पास टाइम है, आज इवनिंग तक आप मुझे सेंड कर दीजिएगा आंसर शीट और मैं कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा रिजल्ट। और ये है, देखिए याद है तो पिछले बार का रिजल्ट है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा एक्चुअली हम मिस्टेक कर दिए थे। यहाँ पर जो किशोर कुमार यादव है, इनका 18 मार्क्स नहीं था, इनका भी 19 मार्क्स था। ये कॉपी चेक करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये भी सेकेंड है। तो इनका नंबरिंग देने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए मिस्टेक से बाय मिस्टेक इनका थर्ड हो गया था, ये भी सेकेंड है। क्लियर है? तो चलिए आज का टेस्ट देखते हैं। आज हम लोग का चैप्टर 3 का टेस्ट होगा, चैप्टर 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव। क्लियर है? आई होप आप लोग तैयारी किए होंगे। चैप्टर 3 का है, फुल मार्क्स टोटल 20 का ही रहेगा और डेट है आज 6 सितंबर 2020। क्लियर है? तो वीडियो के एंड में मेरा मतलब व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा आईडी मिल जाएगा, वहां पर भेज सकते हैं मुझे अपना आंसर शीट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखने से पहले अगर कहीं पर दिक्कत होगी मुझे कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन में, मैं आपका कमेंट पर ही सॉल्यूशन, मतलब कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करके ही सॉल्व कर दूंगा। और रही बात रिजल्ट का, तो कल ही दूंगा मैं, और आज बस आपके पास टाइम है, रिटर्न कर देना है आपका आंसर शीट। और देखिए इस बार मैंने MCQ सेट किया है, ठीक ना। तो देखते हैं सही विकल्प का चयन करें। 1 नंबर, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में है चीनी, बी नंबर में है अल्कोहल, सी नंबर में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी नंबर में ऑक्सीजन। जो सही है उसको आंसर में लिख देना है नीचे, ठीक ना। फिर देखिए 2 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ए नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, बी नंबर स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी नंबर एल्कोहल, डी नंबर यीस्ट। क्लियर है? इसमें से जो सही है उसको नीचे आंसर में लिख देना है। फिर 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर का सवाल है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? ए जल में, बी वायु में, सी मिट्टी में, डी इनमें सभी, ठीक ना। तो देखिएगा जो आंसर होगा लिख देना है। फिर 4 नंबर, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? ए नंबर पेनिसिलिन, बी नंबर स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी नंबर टेट्रासाइक्लिन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। फिर 4 नंबर हो गया। 5 नंबर का सवाल है, चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए नंबर मोल्ड, बी नंबर किन्विन, सी नंबर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, डी नंबर संक्रमण। क्लियर है? फिर देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का सवाल है, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है? ए नंबर चीटी, बी नंबर ड्रैगन मक्खी, सी नंबर मकड़ी, डी नंबर घरेलू मक्खी। फिर देखिए 7 नंबर, डेंगू परजीवी का वाहक है? ए नंबर मादा एडिस मच्छर, बी नंबर घरेलू मक्खी, सी नंबर मादा एनोफिलीस मच्छर, डी नंबर कॉकरोच। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? ए नंबर टेट्रासाइक्लिन, बी नंबर स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी नंबर एरिथ्रोमाइसिन, डी नंबर पेनिसिलिन। क्लियर है? फिर हम लोग देखते हैं अब 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? ए नंबर एडवर्ड जेनर, बी नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी नंबर लुइस पास्चर, डी नंबर रॉबर्ट कोच। तो अब देखिए 10 नंबर, 10 नंबर का सवाल है, किन्विन की खोज किसने की? ऑप्शन ए नंबर लुइस पास्चर, बी नंबर एडवर्ड जेनर, सी नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी नंबर रॉबर्ट हुक। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? ए नंबर लुई पास्चर, बी नंबर एडवर्ड जेनर, सी नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी नंबर रॉबर्ट हुक। तो देखिए जो आंसर होगा उसको आंसर में लिख देना है। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर। 12 नंबर का सवाल देखिए, सूक्ष्म जीवों के 2 वाणिज्यिक उपयोग लिखें। क्लियर है? बहुत ही आसान है, 2 वाणिज्यिक उपयोग लिखना है। फिर देखिए 13 नंबर, किन्विन किसे कहते हैं? फिर 14 नंबर, सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोग लिखें, 3 उपयोग लिख देना है। उसके बाद देखिए, किन्विन की खोज किसने एवं कब की? उसके बाद 16 नंबर, प्रतिजैविक क्या है? सबसे पहले प्रतिजैविक का नाम लिखें।
क्लियर है। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, उसका नाम लिखना है। फिर 18 नंबर का सवाल देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, आंसर लिख देना है, बहुत ही आसान है। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की और कब। फिर 20 नंबर का सवाल है, लास्ट सवाल है, टीकाकरण क्या है, इसको लिखना है। तो आई होप आप लोग सभी अच्छी तरीके से लिखिएगा। तो आपने देखा कि 1 से लेकर 11 नंबर तक एमसीक्यू है, बस टिक करना है, ठीक ना। तो आप उसको क्वेश्चन उतार लीजिएगा, उसके बाद आंसर सेपरेटली उसके नीचे लिख दीजिएगा, और बाकी 11 नंबर से 20 नंबर वो तो मतलब एक लाइन दो लाइन का हो सकता है, उसको 2-3 लाइन लिखना है, जहां पर जरूरत है कहीं कहीं तो 1 वर्ड में भी आंसर मिल जाएगा। तो सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से टेस्ट लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा नंबर आने की कोशिश कीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जेसेटी का सारा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है।